क्योंकि इस एज में उतना कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं होता और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हैं। आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, डार्क सर्कल्स, मिलाजमा, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, दाग धब्बे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इन्हीं कारण होता है वो सही तरीके से अपनी स्किन केयर नहीं करते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किस तरीके से टीनेज वाले अपनी स्किन केयर कर सकते हैं जिससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या पिंपल्स वगैरह की किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाती है तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि बहुत ही ज्यादा आपको पानी पीने की आदत डालनी है, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। जब भी आपको प्यास लगे तो आप पानी पियो, आप अपने प्यास को ना रोको मत कि जब ज्यादा प्यास लगेगी तब भी पानी पीना है, ऐसा नहीं है। आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही, अगर आप अपनी स्किन को शाइनी बनाना चाहते हो तो सबसे बड़ी ब्यूटी टिप्स ये है कि आपको अच्छे से पानी पीना है। पानी पीने की आदत डाल लो, पानी पियोगे तो आपकी स्किन के कोई भी प्रॉब्लम है ना वो 95% तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पानी पीने की आप आदत डाल लो, कम से कम 10 से 12 ग्लास, ठीक है। उसके बाद आप बात करने जा रही हूँ मैं स्किन को क्लियर करने की, मतलब कि साफ करने की, आप किससे अपनी स्किन को अच्छे से वॉश करो। ओके, तो मैं ना यहाँ पे फेस वॉश ढूंढ रही थी, तो आप कोई सा भी स्किन केयर के लिए फॉलो कर सकते हो फेस वॉश को, जैसे कि आप क्लीन एंड क्लियर ले लो, हिमालय का ले लो, या फिर आप ये गार्नियर का ले लो, गार्नियर वाला भी सभी के स्किन पे सूट कर जाता है। तो इस पर कोई सा भी आप ले लो, या फिर आप, मैं जो आपको DIY बताने जा रही हूँ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी और चमकदार रहेगी। आपको ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना होगा, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना वो मैं काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को ही लेकर शेयर करूँगी। तो जो मैं आपको DIY बताने जा रही हूँ इससे भी आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हो। आप देखोगे कि इससे भी आप जब अपनी स्किन को क्लीन करने लगोगे ना तो आपको जो नेचुरल खूबसूरती होती है ना वो मिलेगी, क्योंकि DIY जो होते हैं, होममेड जो होती है चीज़ें, वो थोड़ा सा टाइम लेता है बट उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि DIY बनाना कैसे। तो यहाँ पे मैं स्किन को क्लीन करने के लिए DIY बनाने जा रही हूँ। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो आप ये यूज़ किया करो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी में हो, तो आप फेस वॉश कर लिया करो। दिन में 2 बार अपने स्किन को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1 बार सुबह 1 बार शाम। तो स्किन को क्लीन करने के लिए आपको चाहिए होगा 1 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी। हल्दी में होता है एंटीबैक्टीरियल गुण जो आपके स्किन के दाग धब्बे को दूर करेगा, पिंपल्स को आने से रोकेगा, एंड साथ ही इसमें मैं ले रही हूँ दूध। चाहे आपके पास कच्चा दूध है तो कच्चा ले लो, या फिर अगर कोई सा भी दूध है तो आप ले लो, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से इसे मिक्स कर दो और इसे आप लगा लो अपने फेस पे। ये हमारी स्किन को क्लीन करने में काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा, साथ ही हमारे स्किन को ग्लोई बनाएगा जो हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखेगा, और साथ ही हमारे स्किन को काफ़ी समय तक गोरा और चमकदार भी बनाकर रखेगा। तो इसे आप अपने फेस पे लगाओ। यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप है ना डिलीट हो गई थी, तो यहाँ मैं फिर से आपको अपने फेस पे लगा के दिखा दे रही हूँ। तो इस पैक को आपको कुछ इस तरीके से अपने फेस पे लगाना है। ध्यान रखें हल्दी जो आप ले रहे हो वो हल्दी नेचुरल हो, मतलब कि सही हल्दी हो, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा कलर वगैरह मिक्स हो ऐसा वाला। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है या फिर आप ले करके हल्दी की गांठ को घर में पीस करके भी हल्दी बना सकते हो। और कुछ इस तरीके से 20 से 25 सेकंड के लिए अपने स्क्रीन पे मसाज कर लो और अपने चेहरे पे छोड़ दो 2-3 मिनट के लिए, और 2-3 मिनट के बाद धो लो। धो करके आप अच्छे से अपने स्किन को डैप डैप करके सुखाओ और रगड़ना नहीं है अपने चेहरे को। वॉश कर लेने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन अच्छे से क्लियर हो गई है। उसके बाद आपको यूज़ करना है कोई सा भी टोनर। टोनर हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। टोनर आप कोई सा भी ले सकते हो, या फिर आप रेडीमेड टोनर्स कोई भी आप ले लो, या फिर आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर लो। गुलाब जल भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जब हम यहाँ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो टोनर काफ़ी अच्छा रहेगा। आप गुलाब जल के लिए ले लो, बस ऐसे कुछ ड्रॉप आप अपने हाथों पर लो और उसके बाद आप ऐसे करके कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लो, ठीक है। आप जब इसे यूज करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा अच्छी रहने लगी है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। इसके बाद जब ये हमारी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए तो इसके बाद आपको यूज करना है
कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर में आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करता हो। बहुत सारे टीनेजर्स के साथ क्या होता है ना कि वो कई सारे प्रोडक्ट्स को देख करके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये लगाएं वो लगाएं वो लगाएं, तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपकी स्किन को सूट करता हो कोई सा भी, जैसे कि लैक्टोकैलामाइन या फिर लैक्मे की मॉइस्चराइजर या क्रीम, जो भी आपको सूट करता हो, तो बस जो अच्छा लगे वही लगाओ। बार बार ऑप्शंस बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्रीम या मॉइस्चराइजर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक बार आपके चेहरे को अच्छे से सूट कर जाए ना, तो बस उसे ही यूज़ करो। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये लैक्मे वाली पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, जो कि मेरी स्किन को काफ़ी समय तक मॉइस्चराइज करके रखती है और स्किन को हेल्दी रखती है। तो इसका ही मैं ज़्यादा करके इस्तेमाल करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से डॉट डॉट आप अपने फेस पे करो और उसके बाद अच्छे से अपने फेस पे लगा लो। अगर आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल नहीं करोगे और आपकी स्किन अगर ड्राई रहेगी, तो आपको फाइन लाइंस बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे, आप एज से अपनी बहुत ज़्यादा दिखोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी स्किन ज़्यादा ही सॉफ्ट लगनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अगर आप 16 के भी हो तो आप 14 के लगो। तो कुछ इस तरीके के, इससे आपको ना फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको आपको देखने को मिलेगा ना कि रिंकल्स बहुत लेट से आएंगी, आपकी फाइन लाइंस की प्रॉब्लम बहुत लेट से आएंगी। तो ये अगर आप आदत डालोगे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी आदत है। टोनर अप्लाई करो, उसके बाद फटाक से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो, ठीक है। जब मॉइस्चराइज़र अच्छे से स्किन में सेट हो जाए, तो इसके बाद आपको यूज़ करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, शायद आपको ये चीज़ समझ में अभी ना आए, बट इसके बाद आपको यूज़ करना है कोई भी अच्छा सा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैं हमेशा शुरू से ही लगाती आ रही थी, तो एक चीज़ मैंने देखा, मैंने किसी को देख के ही सीखा था इसे लगाने को, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, बट अब मैं मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा ऑप्शन था इसे यूज़ करने का, क्योंकि सन जो हमारी स्किन को है ना बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है, उसकी यूवीए यूवीबी किरणें, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे मिलाज़मा, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, स्किन डार्क होने लग जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स से आप बच जाओगे। अगर आपके मॉइस्चराइज़र या क्रीम में SPF 30 तक या फिर SPF 25 तक भी अगर आपको सनस्क्रीन मिल जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर आपके मॉइस्चराइज़र या क्रीम में सनस्क्रीन नहीं है, तो आपको लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे लैक्मे पीच मिल्क वाला ये यूज़ किया था मॉइस्चराइज़र, तो इसमें बिल्कुल भी सनस्क्रीन नहीं है। तो इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा कैरी मुझे करना पड़ेगा, वो है सनस्क्रीन। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे सन एक्सपर्ट का, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अफोर्डेबल रेंज का है, एक बार आप ले लोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय तक चल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अमाउंट आपको लेना होता है और आपको बस एक प्रोटेक्शन कवर की तरह आपको लगा लेना होता है अपने फेस पे, ठीक है। एक प्रोटेक्शन कवर की आपको तरह लगाना होता है, जैसे कि आपको आपके स्किन पे अगर सन का यूवीए यूवीबी किरणें वगैरह भी पड़े ना, तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होनी चाहिए। कैसे आपको प्रोटेक्शन ऑफ लेयर वर्क करेगा ये, आप कहीं भी जा रहे हो, बाहर जा रहे हो या फिर सन के संपर्क में आ रहे हो, अगर आप घर में भी रहते हो तो सनस्क्रीन का यूज जरूर किया करो। जब आप थोड़ी सी एज ज़्यादा होगा आपका, जब आपको थोड़ी सी और नॉलेज हो जाएगी ना इन सब के बारे में, तो आप देखोगे कि सनस्क्रीन कितना ज़्यादा सही रहा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सही रहेगी, बहुत चीज़ों से बच जाएगी, आपके जो डार्क सर्कल्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी वो सारी चीज़ें बच जाएगी, अगर झाइयों की प्रॉब्लम आने वाली होगी तो वो सारी चीज़ें बच जाएंगी। तो सनस्क्रीन आप ज़रूर यूज़ किया करो, ठीक है। इसके बाद जो आपको लगाना है वो है लिप बाम। तो लिप बाम के लिए भी आप कोई सा भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो, या फिर आप वैसलिन पेट्रोलियम जेली यूज़ कर लो, या फिर और कुछ यूज़ कर लो जो आपको अच्छा लगता हो। बस हल्का सा आप लिप बाम अप्लाई कर लो अपने फेस पे, दैट्स इट। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो, अगर आपको पसंद है कॉम्पैक्ट लगाना या काजल लगाना, तो वो सब आप यूज़ कर सकते हो। ओके, दैट्स इट।
तो कोई सा भी एक अच्छा सा आप लिप बाम अप्लाई कर लो, इससे आपकी लिप्स काफी ज्यादा सही रहेंगी, बिल्कुल भी फटेंगी नहीं, ड्राई नहीं होंगी और आपके लिप्स के ब्लैक होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब अगर आप कुछ इस तरीके से हमेशा आप अपने लिप्स पे लिप बाम लगा कर रखोगे तो हमेशा आपके लिप्स काफी ज्यादा सॉफ्ट रहेंगी और सही रहेगी। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी स्किन केयर को फॉलो किया करो, इससे फ्यूचर में आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी पिंपल्स। गाइज आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय।